हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन यानी फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, उनके क्या क्या काइंड्स होते हैं, किस किस तरह की वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है या फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम ये लेम्मा सॉल्व करने वाले हैं। इफ एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर देन इंटीग्रेशन ए टू एक्स एंड ए टू एक्स वन डॉट डॉट ए टू एक्स एन माइनस वन ए टू एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू और ए टू एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन कोई फंक्शन है यहाँ पे डी एक्स एन माइनस वन डॉट डॉट डी एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ए टू एक्स जो है इंटीग्रेशन एक्स माइनस जाई एन माइनस वन इस पावर एफ जाई डी जाई। तो ये हमें देखना है कि इस तरह इसको हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं। इफ आई एन एक्स सपोज हमने सपोज कर लिया कि आई एन एक्स बराबर क्या है ए टू एक्स एक्स के एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस वन एफ जाई डी जाई जो कि राइट हैंड साइड का ये वाला पार्ट ये हमने सपोज कर लिया। देन अगर हम आई एन ए की अगर ए पे वैल्यू देखें तो यहाँ पे ए और अगर यहाँ पे भी पुट कर दें ए तो उस कंडीशन में लिमिट जो है ए टू ए रहेगी यानी फंक्शन जो होगा जीरो होगा। तो ये सिंपली जीरो हो गया। अब हम आई वन एक्स यानी आई वन एक्स की बात करें तो आई वन एक्स जो है हमारे पास लिमिट जो है वो हमारे पास एक्स तक तो हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा। और यहाँ पे आई वन यानी कि ये नहीं है यहाँ पे एन वन टू थ्री ये नहीं है सिर्फ इंटीग्रेशन ये वाला है तो आई वन एक्स क्या हो जाएगा आई वन एक्स बेसिकली आई एन एक्स क्या था जब इसका इंटीग्रेशन एंड एंड टाइम तक था ये वाली टर्म क्योंकि अगर इसको देखें हम यहाँ पे इसको जब हम यहाँ पे अगर आई एन एक्स को हम लिखना चाहें यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा हमारे पास ए टू एक्स वन डॉट डॉट ए टू एक्स एन माइनस वन कैपिटल एक्स एक्स एन और ये डिफ्रेंसिएशन डी एक्स और साथ में ही एन माइनस वन का फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई आगे एन माइनस वन फैक्टोरियल का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें यही तो हमने आई एन एक्स माना है तो ये हो गया हमारे पास। अब आई वन एक्स की बात करें तो आई वन एक्स यानी कि इसमें हमारे पास एक्स वन और कोई पॉइंट नहीं है तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा आई वन एक्स बराबर ओनली ये बच जाएगा ए टू एक्स और एफ जाई डी जाई ये हो गया हमारे पास। तो आई वन एक्स ये हो गया हमारे पास यहाँ से। और यूजिंग अब लेवेंटीज रूल अगर इस पर हम अप्लाई करें तो लेवेंटीज रूल क्या कहता है हमारे पास जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लेवेंटीज रूल क्या कह रहा था हमारे पास एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। ये हमारे पास लेवेंटीज रूल था फ्रेंड्स बेसिकली ये लेवेंटीज रूल है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि किस तरह से इसको दे सकते हैं। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को हमने यूज किया तो यहाँ पे हमारे पास लेवेंटीज फॉर्मूले से ये डी आई वन अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास ए टू एक्स और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स और ये फंक्शन क्या है जाई का यानी कि ये कॉन्स्टेंट एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा ये टर्म जो हो जाएगी जीरो और ये हमारे पास जो उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगी एफ और अपर लिमिट बेसिकली एक्स और जाई का फंक्शन होता है तो उसको हम एक्स और जो अपर लिमिट होती है उससे रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे एक्स और एक्स यानी कि एक्स से रिप्लेस हो जाएगा तो ये एफ एक्स और इसका डी एक्स अपॉन डी एक्स तो ये हो गया एफ एक्स। तो सिंपली यहाँ से लेवेंटी रूल से डी आई वन अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। अब ये आ गया हमारे पास तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग आई एन एक्स जो आई एन एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग लेवेंटीज रूल का यूज करके बेसिकली। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे डी आई वन एक्स अपॉन डी एक्स ये फ्रेंड्स यहाँ पे डी आई एन एक्स है और तो ये हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ इसके अंदर वाला पार्ट। तो जैसे लेवेंटीज रूल से हम इंटीग्रेशन कर रहे थे सिंपली लेवेंटीज रूल जो कि ये रूल है इसी रूल से हमें इंटीग्रेशन करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम पहले इस पार्ट का करेंगे पहले इस पार्ट का इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली लिमिट तो ए टू एक्स डेल अपॉन डेल एक्स
एक्स माइनस जाई और एन माइनस वन एफ जाई डी जाई आएगा, तो उसका तो हो जाएगा एन माइनस वन एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस टू एफ जाई डी जाई। और जब हम अपर लिमिट वाला करेंगे तो हमें एक्स लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यानी एक्स माइनस जाई, यानी जो कि हम जैसे लेवेंटीज फॉर्मूले में हम यहाँ पे बीटा एक्स पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्स और बीटा एक्स का फंक्शन, यहाँ पे क्या फंक्शन हो जाएगा, एक्स एंड एक्स का फंक्शन, यहाँ पे एक्स एंड एक्स का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा एक्स एक्स है, तो ये टर्म जो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो आगे का पार्ट जो है वो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, और चूंकि जो लोअर लिमिट है वो कॉन्स्टेंट है ए है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास ये आ गया, हमारे पास अब ये आ गया हमारे पास फिर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी आई एन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर एन माइनस वन। और बेसिकली ये क्या चीज है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या चीज है हमारे पास, यहाँ ये तक की चीज, जो कि यहाँ पे हमारे पास ये आई एन था, तो ये आई एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पावर एन माइनस वन है और यहाँ पे एन माइनस टू है, तो ये हो गया हमारे पास फॉर एन ग्रेटर देन वन के लिए। इसके बाद टेकिंग सक्सेसिव डेरिवेटिव, इसके इस तरह से और डेरिवेटिव निकालते जाएंगे एल एन माइनस वन तक, तो इस तरह से जब सेकंड निकालेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा डी स्क्वायर आई एन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा एन माइनस वन एंड एन माइनस टू एंड आई एन माइनस टू, यहाँ जैसे यहाँ एन माइनस वन था यहाँ एन माइनस टू, इस तरह से एन माइनस वन तक करेंगे तो ये हो जाएगा आई वन एक्स, ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया हमारे पास डी एन अपॉन डी एक्स एन आई एन एक्स। अब चूंकि ये एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये तो एन माइनस वन फैक्टोरियल है, कॉन्स्टेंट है, डी ओवर डी एक्स ऑफ आई वन एक्स, बट आई वन एक्स का हमने पहले ही डेरिवेटिव कर रखा है, आई वन एक्स का डेरिवेटिव जो आया था हमारे पास ये टर्म आई थी, यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्म, तो यहाँ से हम यह वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ये टर्म आ चुके हैं यहाँ से। अब भी अगर हम ऑब्जर्व करें, अब यहाँ पे अगर हम देखें आई एन ए एट ए पे, किसी भी ए के लिए, एम के लिए जीरो वन टू थ्री, किसी के लिए भी अगर हम देखें, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जब भी हमारे पास जो ए की बात कर रहे हैं तो लिमिट जो होगी वो ए टू ए रहेगी हर कंडीशन में, अगर किसी के लिए भी तो उस कंडीशन में वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आई एन एम हर एम के लिए उस कंडीशन में ये चीज़ जो है वो जीरो रहेगी। तो इसकी हेल्प से हमने इंटीग्रेटिंग वन, अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है ओवर द इंटरवल ए एक्स, इस ए एक्स इंटरवल के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया फोर एम बराबर एन माइनस वन वी ऑब्टेन, तो हमारे पास इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया हमारे पास आई एन एन माइनस वन। बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास, तो यहाँ पे तो सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा फिर से हमारे पास एन माइनस वन डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव जो है एन माइनस वन डेरिवेटिव है इसका, क्योंकि यहाँ पे एन टाइम था तो ये क्यों इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एन माइनस वन डेरिवेटिव बच गया, और ये हो गया हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल ए टू एक्स और एफ वन एक्स। बेसिकली यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल बाहर लिमिट जो इंटीग्रेशन हो गया ए टू एक्स। अब ये हो गया हमारे पास, फिर से इंटीग्रेट किया इसको, तो यहाँ पे डी एन यहाँ पे जो पावर है वो एक कम हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे एन माइनस वन पावर रहती, अगर इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते तो इसको लिखते हैं हम डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन आई एन एक्स, तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम ये लिख सकते हैं ये एक्स वन तक लिमिट हो गया। तो इस तरह से रिपीट करते हुए इसको फाइनली जो एन टाइम जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जाएगा एन माइनस वन तो फैक्टोरियल आ जाएगा, और ए टू एक्स, ये बेसिकली एक्स वन एक्स टू को अंदर के पॉइंट नहीं है, एक चेंज ऑफ वेरिएबल्स टाइप है, तो ये एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट इस तरह से ए वन से एक्स एन माइनस वन तक, तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे।